लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी। आई नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। रतलाम पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी में 4.5 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा किया जब्त। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पन्ना में पुलिस ने एक नटवर को पकड़ा। अपने शौक और जलवा दिखाने के लिए मजिस्ट्रेट सहित कई विधायकों की लग्जरी गाड़ियों को कर चुका है चोरी। नसुलागंज में रात से हो रही बारिश के चलते नगर की कई कॉलोनियां हुई जलमग्न। पानी भराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। रतलाम पुलिस को एक बड़ी सफलता आज उस समय मिली जब एक पिकअप वाहन की तलाशी में 4.5 क्विंटल से अधिक अवैध गांजा मिला। पुलिस ने गांजा जब्त कर वाहन चालक सहित दो को गिरफ्तार किया है। वही मामले से जुड़े तीन आरोपी फरार है जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बंजली फंटे से गुजर रही एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली तो पुलिस को वाहन से 465 किलो गांजा मिला। इस दौरान पुलिस ने चालक दिनेश पिता मनोहर और उसके साथी जयभान पिता गिरवर को पकड़ा। इसका तीसरा साथी राहुल मीना भागने में सफल रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इसे बताना चाहूँगा कि अभी 23 जुलाई से रतलाम पुलिस ने एक अभियान स्टार्ट किया है मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले या सेवन करने वालों के खिलाफ, जिसको हम लोगों ने से नो टू ड्रग्स अभियान बताया है। इसमें इसी अभियान के तारतम्य में कल एक रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसने थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत एक गांजे से भरी हुई बोलेरो गाड़ी जब्त हुई है। इसमें कुल 465 किलो गांजा है, 465 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसमें दो लोग मुख्यतः दिनेश राठौड़ और जयभान सिंह गिरफ्तार किए गए मौके से। साथ ही साथ अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने ये गांजा उड़ीसा से लाना बताया है, जिसमें इनका मुख्य सप्लायर छायाचंद नामक व्यक्ति है। साथ ही साथ मुकेश निवासी गौतमपुरा इंदौर का साथी है, जिसके साथ ये मिलकर ये गांजे की खेप लाए थे। और वाहन में बोलेरो में एक थर्ड व्यक्ति राहुल मीणा नामक भी था, जो कि मौके से फरार हो गया है। तो पुलिस ने अभी तक इन पांच लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, दो गिरफ्तार हुए हैं और तीन की तलाश जारी है। पन्ना में एक नया नटवर सामने आया है। ये नटवर लाल केवल अपने शौक और जलवा दिखाने के लिए मजिस्ट्रेट सहित कई विधायकों की लग्जरी गाड़ियों को चोरी कर चुका है। इतना ही नहीं, ये शातिर नटवरलाल पन्ना में एडिशनल एसपी के नाम से पेट्रोल पंप संचालक से 50,000 की चोरी कर चुका है। और जब इस शातिर को पन्ना में पूछताछ के लिए लाया गया तो ये अजयगढ़ थाने से फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शातिर आरोपी रिंकू उर्फ प्रवीण मीरा को पूछताछ के लिए पन्ना कोतवाली लाया गया। यहाँ पर आरोपी ने राजस्थान जेल के अंदर से ही उक्त वारदात को अंजाम देना बताया गया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जेल के अंदर और भी लोग इन गतिविधियों में संलिप्त है। आरोपी द्वारा पूर्व में 4-व्हीलर 2-व्हीलर गाड़ियां चोरी करना बताया। चोरी की गई गाड़ियों में से एक विधायक एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी शामिल है। आरोपी द्वारा पूर्व में टोल टैक्स में हवाई फायर भी किया गया था। अपराध में सजा होने पर आरोपी जिला जेल बरौली राजस्थान में 2015 से सजा काट रहा है। शातिर नटवरलाल द्वारा अन्य राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी इस प्रकार की घटना जेल में रहते हुए की गई है। पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि आरोपी टोल टैक्स में अपना जलवा दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियों को चोरी किया करता था। पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। हमारे कुछ वारदातें हुई थी, इसमें 420 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एडिशनल एसपी के नाम से ठगी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ था। इसमें जो मुख्य सरगना इसका हमने ट्रेस किया था, तो हमें ये पता लगा कि वो राजस्थान में करौली जेल के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जिस पर से हमने प्रोडक्शन वारंट के थ्रू उसको यहाँ बुलवाया, उससे पूछताछ करी। काफ़ी शातिर किस्म का ये अपराधी है। इस पर पूर्व में ही राजस्थान के विभिन्न जिलों में 200 मुकदमे दर्ज हैं। 307 से लेकर गाड़ी चोरी और इस प्रकार के अपराध से काफ़ी पंजीबद्ध है और पिछले 5 वर्षों से ये जेल में है, लेकिन जेल के अंदर से भी इसके अपराध करने की प्रवृत्ति लगातार चल रही है। पूछताछ के दौरान इसने स्वीकार किया है कि इसने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गाड़ियाँ भी चुराई थी, जिसके कारण इस पर जेल भी गया था। एक दो जगह विधायकों की गाड़ी चुराने की बात स्वीकारी है,
और एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी इसने चुराई थी, जिसको ये लेकर यूजली इसका उद्देश्य था कि ये इन गाड़ियों से चेकिंग या किसी प्रकार की रोक टोक से बच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इनको रोक, ये चूँकि हथियार भी रखते थे तो फायरिंग इन्होंने कहा था, फायरिंग भी करी तो उसका तो मुकदमा इन पर। उसका यही कहना है कि बड़े लोग की गाड़ी चुराने से उसको कई बार चेकिंग में छूट मिल जाती थी और कई बार उसको टोल वगैरह पे टोल ने पता लगा है कि इनका गिरोह है। जेल के अंदर भी कुछ और भी लोग हैं इनके ग्रुप में जो ये सब करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कटनी, सतना, धार और छतरपुर, इसके अलावा मुरैना, कई जगह पे इन्होंने ये वारदातें करी हैं और इनका जो पूरा गिरोह है उसको नष्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रचार भी किया, लगातार विमर्शन कर रहे हैं। नसुलागंज में रात से हो रही बारिश के चलते नगर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। पानी भराव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नसुलागंज की आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जल भराव हो चुका है। वहीं शास्त्री कॉलोनी के साथ कई कॉलोनियों में रोड पर पानी भरा हुआ है। नसुलागंज के बीच से निकलने वाला नाला, जिसके नाम पर नगर परिषद हर साल लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका गहरीकरण करने पर लीपा पोती के साथ लगातार नाले पर अतिक्रमण के चलते यह स्थिति निर्मित हो रही है। हर साल नाले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नाले में अधिक पानी आने से आसपास की कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जान पर बनाई थी। पूरी कॉलोनी जलमग्न हो चुकी थी। जैसे तैसे लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई, इस बात से भी नगर परिषद ने आज तक सबक नहीं लिया। नसुलागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। रात को 1 बजे से पानी गिर रहा था रात्रि, बाकी नगर में गहरीकरण हुआ, लेपा पोती के नाम पर हुआ है गहरीकरण। एक तरफ किनार जैसे भी यहाँ चला दी, एक झटका वहाँ चला दिए, बस बाकी पानी इसके कारण क्या घरों में घुस रहा है बहुत ज़्यादा। कितने लोगों के घरों में पानी घुस गया? यहाँ कम से कम 50 परिवार रहते हैं इस गली में। तो इसमें नगर परिषद या प्रशासन नहीं आया आपको कोई मदद करने? कोई भी नहीं आया अभी हाल तो, बाकी बस पुल के ऊपर भीड़ लगती है, देख के चले जाते हैं। बाकी कोई मदद करने नहीं आया? कोई मदद, कोई सहारा नहीं है। पानी भरा गया था बहुत सारा, तो चार बजे रात की लाइट नहीं है। हाँ, आपके घर में घुस गया पानी? हाँ, पानी अंदर हो गया। इसके लिए नगर परिषद ने कोई इंतजाम नहीं किया था? कुछ भी नहीं करा। अरे आगे नहीं देखा नगर परिषद वाले। इसके बाद प्रशासन आया देखने की? पानी नहीं आया, कोई नहीं आया प्रशासनिक अधिकारी? हाँ, कोई भी नहीं आया। इछावर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली पंचायतों गादिया, फंगिया, दूधलाई, कुंडीखा, ललियाखेड़ी, पालखेड़ी के भवन के गेट में कुछ दिनों से ताला लटका है और हितग्राही भटक रहे हैं। बता दें कि सचिव की मनमानी को लेकर यहां लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि पंचायत में आए दिन ताला लगा रहता है और लोग छोटे छोटे कामों के लिए भटकते रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पदस्थ सचिव अपने घर में रहकर ही काम कर रहे हैं और कार्यालय में पंचायत संबंधी काम को आने वाले लोग चक्कर काट रहे हैं। इसके चलते ग्राम पंचायतों की ना तो बैठकें आयोजित हो रही है और ना ही लोगों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ व जानकारी मिल पा रही है। सरपंच, सचिव मिलीभगत कर अपनी मनमर्जी से पंचायत का संचालन कर रहे हैं। यहाँ सचिवों के नियमित नहीं आने से यहाँ विकास कार्य ठप पड़ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को सचिव संबंधी विभिन्न कार्यों को करवाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र के अधिकांश पंचायतों में सचिव की अरुचि के कारण ग्राम सभाएं आयोजित नहीं हो रही है। आलम यह है कि सरपंच सचिव दोनों अपने घर पर बैठकर मन मर्जी से प्रस्ताव बना लेते हैं, जिस पर ग्रामीणों के फर्जी उपस्थिति दर्शाते हुए उनके हस्ताक्षर कर देते हैं, जबकि नियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के संबंध में डोंडी पिटवाई जाती है तथा घर घर एजेंडा घुमाया जाता है, लेकिन यह बीते दिनों की बात होती जा रही है। यही कारण है कि गाँव में अभी भी विकास की गति काफी धीमी बनी हुई है। इछावर से राम बाबू वर्मा की रिपोर्ट। अनु भाई, कहाँ पे रहते हो? गादिया। यहाँ पे सचिव आता नहीं? आता आता है, महीना 15 दिन में, महीना खान में। फिर जो शासन की योजना चल रही है इसका तो आपको लाभ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं है, है तो। क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं हमें तो, क्योंकि वो शासन है कि कहीं है कि कहीं भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। कभी पूछने का प्रयास करा आपने सचिव? कुछ भी नहीं, कभी नहीं पूछा हमने। राम सिंह जी, कहाँ पे रहते हो?
यहीं पे रहते हैं गादिया में। हाँ जी। अच्छा, ये आपको ये किराए के मकान में रह रहा हूँ। किराए मकान में रहते हैं। तो आवास नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं मिला हमको पता ही नहीं। हम दूसरे घर में रहते हैं, हमको पास जमीन भी नहीं है, अकल रहते हैं। राशन कार्ड नहीं मिला? राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं बना। यहाँ सचिव आता नहीं? आता नहीं, आता है कुछ भी नहीं आता है सर। हम वही बोलते हैं और हमारे आवास हो, हम अच्छे बोलते क्या हैं। क्या मजदूरी करते हो? हम मजदूरी करते हैं सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दो बच्चे हैं, उनको पालते हैं, उनके पैसे महंगे पड़ते हैं, हमको स्कूल महंगे पड़ती है। आवास नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? शिशु नहीं आता, सचिव नहीं आता है। तो उससे पहले नहीं बोला आवास के बारे में? क्या बोला उसने? बोला तक मिलेगी। कब मिलेगी? मिली नहीं। अबला तो क्यों नहीं दे रहा? कारण क्या है? कि पैसे वैसे की डिमांड तो नहीं करी? हाँ, डिमांड नहीं करी, अभी ने बात करी। हाँ, कुछ नहीं किया। बेरिया के बाजीराव पेशवा रावेरखेड़ी में अवैध मिट्टी का उत्खनन करते हुए ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दो डंपर रात्रि में मौके से पकड़े। यहां सारथी कंपनी द्वारा मशीन व डंपर से मिट्टी का खनन कर रहे थे। उसी दौरान ग्रामीणों ने रात्रि 12 बजे खरगोन एसपी को मोबाइल से सूचना दी। तत्काल एसपी ने बेड़िया थाना प्रभारी राम सिंह मेड़ा को सूचना देकर पुलिसकर्मियों को बाजीराव पेशवा समाधि स्थल रावेरखेड़ी भेजा। यहां मौके से मशीन का ऑपरेटर फरार हो गया। वहीं दो डंपर को पुलिस ने रात्रि में जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।